फोर्टिस अस्पताल मोहाली के हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग ने एक जटिल जीभ पुनर्निर्माण सर्जरी के माध्यम से स्टेज दो दुर्लभ जीभ कैंसर से पीड़ित 40 वर्षीय रोगी का सफलतापूर्वक इलाज किया। डॉक्टर कुलदीप ठाकुर कंसल्टेंट हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने गर्दन के रिसेक्शन और रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ जीभ और मसूड़ों का पार्शियल रिसेक्शन किया। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मरीज के मुंह में मौजूद सभी रोगग्रस्त ऊतक को मरीज के चेहरे पर कोई चीरा लगाए बिना ही निकाल दिया गया। गर्दन की सर्जरी त्वचा में एक छोटा सा चीरा लगाकर की गई और ट्यूमर को निकालने के बाद जीभ का सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण किया गया। मरीज पिछले 10 महीनों से जीभ के एक तरफ के घाव से पीड़ित था जो ठीक नहीं हो रहा था। लक्षण और भी बदतर हो गए और जीभ पर एक नुकीला दांत गड़ गया। मरीज ने शहर के एक अन्य अस्पताल में बायोप्सी करवाई जिससे तेजी से फैल रहे कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी की तत्काल आवश्यकता का पता चला। इसके बाद मरीज ने फोर्टिस अस्पताल मोहाली में डॉक्टर कुलदीप ठाकुर से संपर्क किया जहां जीभ और गर्दन की MRI के स्टेज दो जीभ कैंसर की पुष्टि हुई जो आसपास के मसूड़ों को भी प्रभावित कर रहा था। व्यापक चिकित्सा जांच के बाद रोगी की गर्दन का डिसेक्शन और रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ आंशिक जीभ और मसूड़ी की सर्जरी की गई। तो अभी हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे। दो दिस इज अ वेरी यू नो सिंपल केस विच वी आर डूइंग रूटीनली, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस सेंस में है ये? सो ये दिस जेंटलमैन वॉज फ्रॉम शिमला ओनली, 40 साल का है और इनको यहाँ पे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ, डायग्नोज हुआ टंग में, जीभ में। बेसिकली जो जीभ में कैंसर था वो बीच के हिस्से में था, दो कैंसर लगभग 3 सेंटीमीटर था, मल्टीफोकल था कि थोड़ा थोड़ा ऐसे करके सब जगह था। सो पर प्रॉब्लम क्या था कि साथ में जो जबड़ा होता है, गम्स होते हैं, वो भी इन्वॉल्व हो रहा था। सो वो इम्पोर्टेंट क्यों है? ये 40 साल का है, इज़ फ्रॉम अ गुड वेल टू टू फैमिली। हिज मेन कंसर्न वॉज यू नो इनका कोई एडिक्शन नहीं था। 95% जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनमें या तो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, या गुटखा च्यूइंग करते हैं, तंबाकू च्यूइंग करते हैं। 5% पेशेंट होते हैं जो 4 to 5% पेशेंट होते हैं जो शार्प टीथ, तीखे दांत जो मुंह में लगते हैं, जीभ में लगते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि वही कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ओके, सो दिस वॉज पेशेंट जिसको तीखे दांत लग रहा था। सो ही वॉज डायग्नोज एट इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। सो यंग पेशेंट था, इसके काफ़ी सारे कंसर्न्स थे। ओके, पहला कंसर्न ये था, ये 40 साल का है, इसका गम इन्वॉल्व है, जीभ इन्वॉल्व है, ठीक है, इज अ हैंडसम गाय, सो उनको मुंह पे कोई चीरा नहीं चाहिए था, उनको स्पीच अपनी बहुत अच्छी चाहिए थी, उनको खाना निकलने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए थी, सबसे बड़ी चीज़ उनको फेस पे कोई भी स्कार नहीं चाहिए था। अभी आप कहीं भी जाओगे एक्सेप्ट दिल्ली मुंबई, बाकी और जगह जाओगे, हिमाचल कहीं भी जाओगे, मुँह के जीभ पर जब कैंसर होता है तो वो लोग यहाँ से इतना लंबा चीरा देते हैं, गोज लाइक दिस। वो चीरा अपने आप में इतना भयानक होता है कि पेशेंट उसको देख के डर जाता है। सो ये बेसिक, जब हमारे पास वो मेरे पास रेफर्ड आया, बाई नेम रेफर्ड आया, सो वी डायग्नोज हिम एज अ स्टेज टू, दो स्टेज वाज ओनली टू, बट प्रॉब्लम ये थी उसका लोकेशन बहुत बेकार था। ओके, सो वी प्लान फॉर सर्जरी, और जो चैलेंजेस थे वो ये थे, स्पीच, उनको चाहिए था कि मेरी स्पीच नॉर्मल रहे, किसी को ये पता ना चले कि मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है। ओके, देन सेकेंड कंसर्न बात, मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फेस पे कोई भी स्कार नहीं होना चाहिए, एंड फोर्थ ऑब्वियसली कैंसर तो पूरा निकलना ही चाहिए। सो दिस वॉज इज मेन कंसर्न। उसने इससे पहले दिल्ली गुड़गांव में, मेदांता में, राजीव गांधी में और मैक्स साकेत में सब जगह कंसल्ट कर लिया था। ओके, सो देन दे इवेंचुअली केम टू मी, वो कोई डॉक्टर साहब है यहाँ पे शिमला में, उन्होंने मुझे बोला कि एक बार उनसे जाके मिलो। सो देन वी प्लान फॉर सर्जरी एंड दिस वॉज द सर्जरी जो हमने की। सो सर्जरी वॉज ऑलमोस्ट 8 hours ड्यूरेशन, 2 दिन जिसमें हम ICU रखते हैं और 3 दिन जनरल वार्ड में रखते हैं। Day 5 पर हमने डिस्चार्ज किया, उसमें हमने आधा जीभ रिमूव किया इनका, उसके साथ जबड़ा रिमूव किया और साथ में गले का ऑपरेशन किया। सो जो जबड़ा और जीभ हमने रिमूव किया, हमने मुंह से किया, कोई बार स्कार नहीं लगा। नेक के लिए दिस वॉज ओनली 5 सेंटीमीटर स्कार, जो अभी दिखता भी नहीं है उनके, है ना। अभी जब सो वी ऑपरेटेड हिम ऑलमोस्ट 3 months बैक, अभी जो मेरे को फ़ोन पे बात करते हैं, हमारे कैंसर पेशेंट जो मैं एक बार ऑपरेट करते हैं उनमें ना दोबारा रिस्क रहता है कैंसर होने का, उसी जगह या कहीं और जगह। सो हम उनको बोलते कि हमें हर 2 महीने में दिखाना है। सो मेरे को वैसे अभी 2-3 दिन पहले वो सेब की पेटी लेके आए हुए थे, तो फ़ोन पे बात करते हैं। सो जो उनके रिलेटिव्स भी हैं जो उनको पहले से जानते हैं, उनको पता चल रहा था कि थोड़ी सी आवाज़ चेंज है, बट नए लोग किसी को नहीं पता कि इनकी आवाज़ कैसी है, ऐसी ही है। सो दिस इज़ वॉट वी डिड। सो ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।